आप लोगों में उठना बैठना बहुत सारी चेंजिंग हो रही होती है इंसान में, तो उसके मुताबिक जो उसका माइंडसेट बना होता है ना, उसको कोई एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है जिसमें आपने सुधरना भी होता है और सवरना भी होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब चले गए ना, उस वक्त आप मैच्योर हो चुके होते हैं। जब तक आप यूनिवर्सिटी में है ना, तो तब तक भी आप मैच्योर नहीं है। फिर वो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं डोपामाइंस के लिए, आप कुछ कुछ भी करते हैं। आप हमारे यहाँ ये देखें, एक कंसेप्ट आ गया प्ले बॉय वाला। आप एक यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स भी होने चाहिए, क्योंकि मेल फीमेल्स तो हैं। जब हम उन्हें को एजुकेशन दे रहे हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उन मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि मैं शॉक्ड हो रही थी कि को एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छे भी होते हैं हम लोगों के, अपनी क्लास में बहुत अच्छे हम लोग के रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहन हर किस्म के होते हैं। इतना माशरा एक बेटी को वो करता है ना कि एक बेटी है, ये तो बेटी है, ये तो कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ बेटों को बहुत ज़्यादा एक वो मिलता है ना कि हाँ बेटे हैं, बस यही घर वालों का नाम रोशन करेंगे, फ़खर बनेंगे। नहीं, एक बेटी उनके इस गरूर को तोड़ती है। जो भी फीमेल यूनिवर्सिटी में जा रही है वो क्या करे? आजकल आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में नॉलेज नहीं मिल रहा, क्योंकि पिकिंग पावर मैं ये समझती हूँ कि एक गर्ल की ज़्यादा है एक मैन से। बेशक स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है मैन, हर चीज़ उसके अंदर होती है। साइकोलॉजी उस्मान आपने भी पढ़ी होगी, एक साइकोलॉजी अगर आप में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप चाहे जितना भी आप में कॉन्फिडेंस है ना, आप एक बड़े मजमे को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपने के पास नॉलेज है ना, आपने एक दिन भी बाहर नहीं निकला। मगर अब क्या सीन होता है, बचपन में होता है तो छुट्टी हो जाती है स्कूल से, हम लोग खुश हो रहे हैं संडे है। अब अगर छुट्टी हो जाती है तो लोगों को मुसीबत पड़ जाती है कि नहीं हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने फ़न करना है, ये है, वो है, दोस्तों से मिलना है। जैसे होता है हमेशा इस तरीके से होता है कि लड़की को कोई ना कोई मैसेज करना, हरासमेंट करना, और वो क्या करेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे। सामने वालों की किस तरह की गंदी नज़रें हमें देख रही होती है, हाँ ये हमें पता है। ट्रैवलिंग इश्यूज होते हैं वीडा में, आपको पता है जिस किस्म का रश होता है, टचिंग वगैरह होती है, ये हमें पता है कि हम किस। कोई मर्द ज़रूरी नहीं है, सब मर्द कहेंगे कि आप हम बैठे हैं घर में, आप हमें खिलाएं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर पढ़ा भी है ना, तो आप कम से कम इतना हो कि आप अपने बच्चों को देख सके, अपने हस्बैंड को देख सके, आप उसके शाना बशाना चल सके, कहीं आप वो लेके जाए तो आप कम से कम डरी छुपी भी बैठी ना हो, आप चार बंदों में बात कर सके। ये भी हमारे पास जो मुकाम है इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए भी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एज अ गर्ल मुझे खुद फेस करना पड़ता है ट्रैवलिंग के इशूज़, लोगों के इशूज़, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, आना जाना, सब कुछ देखना पड़ता है। मगर हम क्या चाहते हैं कि किसी मुकाम तक। ये नहीं है ना कि अगर आप एक वुमेंस को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उसको एम्पावर करना चाहते हैं, तो आप उसको एक स्किल सिखा दें। स्किल सीखी कि 6 माह में जब वो स्किल्स सीख लेगी, वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फिर वो काम भी कर सकेगी। इससे आप उसको यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, उसको नॉलेज भी नहीं मिल रहा और ना वो कुछ शऊर पा रही है। बताया उन्होंने कि ये मेल्स और फीमेल्स को वहाँ बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं। तो इसका हल यही है कि आप कोई एजुकेशन सेपरेट कर दें बस। असलम नाजिन में आपका होस्ट उस्मान लक, आप देख रहे हैं जेंस टॉक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमे तैयबा पर रखी गई, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, ताकि मुसलमान अपना वतन हासिल करके अपनी ज़िंदगी अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक गुजार सकें। तो आज हमारे शो का टॉपिक है को एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। दौर हाजिर में तरक्की के हसूल के लिए इस सिस्टम को लाजिम करार दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये को एजुकेशन सिस्टम राइज किया गया है। इस सिस्टम के जहाँ तक हमें फ़वाद नज़र आते हैं, वहाँ इसके नुकसान भी नमूदार होने लगे हैं। आइए इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरण शहबाज, मरियम और नवीद पहुड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप बताइएगा को एजुकेशन सिस्टम को किस तरह देखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन को कुछ लोगों ने किसी डिफरेंट सेंस में लिया हुआ है, हर किसी ने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है। कोई इसको सिर्फ जैसे ऐसा फ़न के तौर पे देखे चल रहा है, लाइक मतलब इसके डिसएडवांटेजेस भी हाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और कुछ हैं जो इसको प्रॉपर एक जो फ़ायदे में देखे चल रहे हैं। वो इस तरह से कि हमारी यूथ के अंदर देखा जाए, मोस्टली फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, 85% हमारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या वो कन्फ्यूज हो रही होती हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, पता नहीं यूनिवर्सिटी लाइफ हमें कैसी मिलेगी। वो काफ़ी वो हो रही होती हैं, क्योंकि पीछे से वो एक टोटली डिफरेंट माहौल से निकल के आ रही होती है, लाइक उन्होंने कोई एजुकेशन को कभी देखा नहीं होता। अब जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो हमेशा मेल से दूर रही है या वो फीमेल्स के साथ ही रही है, अब वो यूनिवर्सिटी में आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो इतना खुद को वो कर जाती है कि लाइक उसे नहीं पता होता, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों से मिल रही होती है, डिफरेंट बिहेवियर्स को वो फेस कर रही होती है, उसे नहीं पता होता है।
तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि को एजुकेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए और को एजुकेशन को हमें एक सही तौर पे देके चलना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पाकिस्तान में को एजुकेशन को सिर्फ फ़न के तौर पे लिया जाता है। लाइक बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आउटिंग्स वगैरह हो गई, सोशल मीडिया का यूज़ हो गया, इंस्टा ब्लॉगिंग वगैरह करके जस्ट दैट्स इट, उसको वो ख़त्म करके उनके बकौल को एजुकेशन। इसलिए अगर मैं अपने उस सेंस में बात करूँ कि मेरे लिहाज से को एजुकेशन होनी चाहिए, लाइक जब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी गई थी तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि मैं शॉक्ड हो रही थी कि को एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी मेरे साथ ये हो रहा है। हम बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्यों करते हैं? ठीक है, हमें बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, उन्हें इतना हमें बाउंड नहीं करना चाहिए कि वो एक ही चीज़ में दब जाए, क्योंकि अगर वो बच्चे का माइंड एक ही जगह पर रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो उसका वो डिग्रेड होगा खुद से कि हाँ मैं को एजुकेशन पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। लाइक अब मोस्टली ये होता है कि हम बच्चों को कहते हैं हाँ जी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी, छोटी से छोटी बात पर भी, कि हम उस चीज़ के अंदर इतना दब जाते हैं कि हमें कहते हैं कि काश हम को एजुकेशन में ही ना पढ़ रहे होते। हालांकि हमारा माइंड उस तरह से नहीं सोच रहा होता है, हमारी नीयत साफ होती है, लेकिन हमें वो चीज़ गलत तौर पे दिखाई जा रही होती है। तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यही हो रहा है कि हम सही चीज़ को भी गलत चीज़ दिखा के पेश कर रहे होते हैं, नेगेटिवली शो कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि बजाय नेगेटिव से नेगेटिव में शो कर रहे हैं, हालांकि इन अ सेंस वो चीज़ पॉजिटिव है। किरण आप मुझे बताइएगा कि को एजुकेशन क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसका ये चीज़ है ना कि आपका माइंड सेट क्या है। आप एक यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स भी होने चाहिए क्योंकि मेल फीमेल्स तो हैं। जब हम उन्हें को एजुकेशन दे रहे हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उन लोगों को भी हमें एजुकेशन देनी चाहिए। ये एक मेन पॉइंट था। उसके बाद माइंड सेट का ये होता है कि एक गर्ल का माइंड सेट डिफरेंट होता है कम्पेयर टू अ मैन। उसके अंदर ये होता है कि एक हमारे पास जे मिन्स थे, अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने जब ये इस टॉपिक के ऊपर बहस करना चाही कि हम लोग देखें कि किस तरीके से हमारा जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं को एजुकेशन की वो किस तरह है। उन्होंने एक छोटा सा टास्क किया, दैट वॉज क्रियोन टास्क। क्रियोन से क्या टास्क किया कि उन्होंने सेम क्लास में हाफ साइड बॉयज़ हाफ साइड गर्ल्स क्रियोन्स दे दिए। उन्होंने कहा आप वो ड्रॉ करें जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, जो आप खुद सोच सकते हैं। अब गर्ल्स थे, उन्होंने पेंटिंग्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, ड्रेसेस, लाइक प्लेजेंट जो माहौल होता है उसके उन्होंने सीनरीज बनाई और उन्होंने यूज़ किए ऑलमोस्ट 12 to 15 कलर्स ऑफ क्रियोन्स। मगर लड़के बॉयज़ उन्होंने कलेप्सिंग ऑफ टू कार्स, उसके अलावा डिफरेंट कार्स की, डिफरेंट एक्सीडेंट्स की, डिफरेंट ड्रैगन्स की और इस टाइप के क्रियोन्स उन्होंने, और क्रियोन्स कितने यूज़ किए 7 to 8, जस्ट उनके उतने कलर्स में उनका हो गया। अब ये नहीं है कि उनकी ड्राइंग गलत थी या उन्होंने क्रियोन्स कम यूज़ किया, उनकी ख़राब थी, मगर उनका एक माइंड सेट ये बना हुआ था कि लाइक हम लोग कुछ भी बना दें जितना एक लड़की है, क्योंकि पिकिंग पावर मैं ये समझती हूँ कि एक गर्ल की ज़्यादा है एक मैन से। बेशक स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है मैन, हर चीज़ उसके अंदर होती है, बट एक जो पिकिंग पावर होती है ना क्लास के अंदर, कॉन्फिडेंस क्लास के अंदर आप किस तरीके से सीख रहे हो। 80% गर्ल्स की अगर कॉन्सेंट्रेशन होती है, बॉयज़ की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ते या कुछ होती है, मगर उनकी ज़्यादा क्या होती है कि अगर एक फीमेल टीचर है वो पढ़ाई कम कर रहे होंगे और उन्हें एडमायर ज़्यादा कर रहे होंगे और उनकी बात ज़्यादा कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब बॉयज़ एक जैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हम लोगों की अपनी क्लास में बहुत अच्छे हम लोग के रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहन हर किस्म के होते हैं। तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं बाकी सब तमाम गर्ल्स को, किस तरीके से सर मेन पे पढ़ा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन उधर नहीं है टुवर्ड्स द गर्ल, तो वो एक कंफर्टेबल जोन नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर क्लास में लड़की बैठ के करना चाहती है, अगर वो सिंगल क्लास होगी, सिर्फ गर्ल्स की क्लास होगी, तो वो मोर कम्फर्टेबल होगी, उसको ड्रेसिंग का मसला नहीं होगा, दुपट्टा हट भी जाता है, वो किस तरीके से बात करती है उसको मसला नहीं होगा। बट अगर बॉयज़ आपके साथ बैठे हुए, आपको इशू होगा हर चीज़ में, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप अपने थॉट्स, और कुछ हमारी स्टडीज़ ऐसे होती हैं बायो या ये वो चीज़ें जिसके अंदर आप ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे ये लगता है कि प्राइमरी की जो एजुकेशन है ना उसमें को एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी की एजुकेशन।
नर्सरी से सिक्स तक। क्यों? क्योंकि एक जब बच्चा घर से निकलता है ना, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, उसको पता होता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, मेरे बहन भाई हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, गली में खेलने वाले छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनके दिमाग में वही चीज़ होती है। वो कभी भी गलत नहीं लेंगे उसके साथ अगर कोई लड़की पढ़ रही होगी, ठीक है। अगर उसके बचपन से यही माइंड सेट डाला जाएगा ना कि आपके साथ जो आपकी बच्ची पढ़ रही है किसी और की बहन है, वो आपकी भी बहन है, आप उसके साथ लड़ेंगे शेयर करेंगे, मगर आपके दिमाग में कोई गलत इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब आपके बेसिक आपकी यहाँ से बेस स्टार्ट होगी ना, तो आगे जाके आप कभी भी को एजुकेशन अगर करवा भी देंगे, उसके माइंड में वही चीज़ें जो प्राइमरी से सीखता है। हमारे प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए कि फिफ्थ तक को एजुकेशन चल रही है, लेकिन फिफ्थ से लेकर मैट्रिक तक वो जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, प्राइमरी तक मैंने कहा है आपको, आगे जाके उसके बाद मैट्रिक सॉरी एफएससी तक को एजुकेशन के मैं खिलाफ हूँ। को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए उस वक्त। ये जो एज होती है ना 12 से लेके ऑनवर्ड टीनेज, ये हार्मोनल चेंज होते हैं इसमें, आपके माइंडसेट चेंज होता है, आप लोगों में उठना बैठना बहुत सारी चेंजिंग हो रही होती है इंसान में, तो उसके मुताबिक जो उसका माइंडसेट बना हुआ होता है ना, उसको कोई एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है जिसमें आपने सुधरना भी होता है और सवरना भी होता है। हम स्टार्ट से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये 4 साल मैट्रिक के और एफएससी के, जिसमें आपकी अच्छी बुनियाद बनती है, एक इंसान का पता चलता है कि उसने कामयाब होना है या नाकाम होना है। जब इस जगह पे आप फोकस करेंगे स्टडीज पे, गर्ल्स को अलग और बॉयज़ को अलग, वो मोर एबल होंगे किस चीज़ में कि वो पढ़ाई कर सकें, ना कि अब जब आएगी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अब हम लोग इतने मेच्योर हो जाते हैं, हम लोग इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें पता होता है हमने अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करनी है, हमने इस इंसान के साथ किस तरह रहना है, इस इंसान के साथ किस तरह रहना है, हमारे क्या इसके क्रॉस एंड क्रॉन्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ है और उसमें आपको ये पता चलता है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ इसी तरीके से, अगर आपने जॉब करनी है, आप यू हैव टू डील विद बॉयज़ गर्ल्स टुगेदर, तो आपको ये अच्छी चीज़ है लाइक यूनिवर्सिटी में अगर होना चाहिए। नवीद आप बताइएगा कि क्या यूनिवर्सिटीज में को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो उस्मान मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक मतलब बर्निंग क्वेश्चन पे मुझे बोलने का मौका दिया। यार फर्स्टली हम देखें तो मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि कोई एजुकेशन होनी चाहिए। मैं ये कोई एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं वुमेंस की एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब खुद ही मैं उसका वो फाइटर हूँ कि होनी चाहिए। ये मैं ये कह रहा हूँ कोई एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, आपको पता है ये जो हमारी साउथ पंजाब में या इलीट क्लास की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपर पंजाब में, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी फहाशी, आजकल के जो स्कैंडल वगैरह आपको भी सारे पता हैं, IUB का भी स्कैंडल निकला, वैसे हर यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है, मैं खुद ही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इससे अब देखें मैं इसको वो नहीं कर रहा कि जो कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि स्टेट के पास इतने इंस्टीट्यूशन नहीं है कि गर्ल्स के अलहदा मतलब इंस्टीट्यूशन हूँ बॉयज़ के अलग हूँ कि अलग अलग पढ़ाया जाए, क्योंकि एक स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, वो किस तरह मैनेज करे। लेकिन कैंपस में तो अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर एक ही मतलब यूनिवर्सिटी में हम कैंपस को अलहदा कर लें, जैसे लम्स यूनिवर्सिटी है उसी में कैंपस अलहदा कर लें, गर्ल्स का अलग हो बॉयज़ का अलग हो, और टीचर भी वही रहेंगे और इंस्टीट्यूशन भी वही रहेगा, मतलब जो तलीमी मैार है वही रहेगा। अब देखें जो भी फीमेल यूनिवर्सिटी में जा रही है वो क्या करे, आजकल आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में नॉलेज नहीं मिल रहा, सारा वो बस पैसे के लिए भेज रहे हैं, डिग्री बस ले लिया है सिर्फ बिजनेस में लाया है ऐसे, और इससे पैसे भी उसने नहीं कमाने। आजकल जो आपको पता है मैं क्योंकि पढ़ के आया हूँ, सारा टूचा नॉलेज दिया जा रहा है, कोई मतलब उससे वो कोई प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल में बताया जा रहा है। बिल्कुल, और थ्योरेटिकल भी सही नहीं बताया जा रहा साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में, ये जो हमारा एरिया है। अब दूसरा ये कि इसमें हमारी सोसाइटीज़ ने ऐसी एक स्टैंडर्ड पैदा कर दिए कि अगर डिग्री नहीं ली तो पता नहीं मर जाएंगे या हमें जेल करार दिया जाएगा। ये नहीं है ना कि अगर आप एक वुमेंस को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उसको एम्पावर करना चाहते हैं, तो आप उसको एक स्किल सिखा दें, स्किल सीखी कि 6 माह में जब वो स्किल्स सीख लेगी वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फिर वो काम भी कर सकेगी। इससे आप उसको यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, उसको नॉलेज भी नहीं मिल रहा और ना वो कुछ शऊर पा रही है, तो इससे होगा क्या, उल्टा वो तबाह होगी। आपको पता है यहाँ जो साउथ पंजाब में ये जो हमारी मेंटेलिटी है, यहाँ से जो भी फीमेल्स यूनिवर्सिटी में जाती है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आके फिर शादी कर लेती है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? ये मुझे कोई भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा ना उसका, उल्टा आगे वो मतलब
जो अपने बच्चों के आगे उसने तरबियत करनी है या एक सोसाइटी को बिल्डअप करना है, उल्टा उसके लिए वो मतलब एक नेगेटिव में जा रही है। तो इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि वुमन जो कोई जो किसने नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक मतलब जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट चाहे फीमेल है या मेल है, और प्रैक्टिकल मर्द है या फीमेल है, उनमें फ़र्क है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब चले गए ना, उस वक्त आप मैच्योर हो चुके होते हैं। जब तक आप यूनिवर्सिटी में है ना, तो तब तक भी आप मैच्योर नहीं है। फिर वो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं डोपामाइंस के लिए, आप कुछ कुछ भी करते हैं। आप हमारे यहाँ ये देखें एक कंसेप्ट आ गया प्ले बॉय वाला, वो आजकल सारे ये फीमेल और मेल जो आप यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा, मेरे से ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस की होंगी, आप भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो क्या चल रहा होता है ये। इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया, एक हमारा सबलिमिनल परसेप्शन बना दिया, एक चीज़ हमारे अंदर इतनी कोट कोट के भर दी गई है। तो जिस तरह इन्होंने एक गेस्ट ने बताया कि शुरू से ही मतलब कोई एजुकेशन होनी चाहिए, जब बच्चा पैदा हो रहा है वो प्राइमरी तक पढ़ रहा है, तो उसको बाद में कोई ये फ़र्क नहीं होगा कि ये मेल है, इसके साथ मैंने कैसे इंटरेक्ट करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि वो शुरू ही उसके साथ ही गुजार के आ रहा है, वो उसका फ्रेंड है, क्या बेस उसकी बन गई, उसको बेस उसकी बन गई। जब उसका सबलिमिनल परसेप्शन बन गया ना, जब उसके माइंड में एक चीज़ रच गई है, वो फिर बाद में भी जाके उसको कोई पता नहीं चलता। तो इसका इफेक्ट क्या है, अगर आप हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, एक हदीस शरीफ है उसमें कहा गया है कि जब दिजाल आएगा तो उस वक्त ये होगा कि मर्द अपनी घर की खवातीनों को बांध के रस्सियों से बांध के रखेंगे कि दिजाल के पास ना चले जाएंगे, उस वक्त ये लेवल होगा। और वो हमें जाता हुआ वही नज़र आ रहा है आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। इन भाई साहब ने एक बात की है कि ह्यूमन सोसाइटी, इन्होंने कहीं पर भी बॉयज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात नहीं की, इन्होंने अगर बात की है तो सिर्फ गर्ल्स पर की है। क्यों? ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। आपने कहा है कि अगर एक लड़की है उसको आपने नहीं पढ़ाना, ये करना है वो करना है, उसे स्किल्स दें। आजकल स्किल्स भी कोई इतनी ख़ास काम नहीं आ रही, आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आगे आपकी वो चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन तरफ हर बंदा जा रहा है, वो भी स्किल्स ही ऑनलाइन स्किल्स हैं, वो किसी और तरीके से बात करें, वो दूसरी घरेलू स्किल्स की बात करें। एनीवेज, तो अगर उस औरत के ऊपर अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना, या अगर वो पढ़ रही है, तो आप कोई भी आप किसी भी इंसान के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे ना कि आप अपनी बेटी ना पढ़ाएं, उन्होंने आपको डांट देना है। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी ना पढ़े, कोई बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी बड़ी होके किसी के आगे हाथ फैलाए, वो कम से कम इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो अपना तो खुद गुजारा कर सके ना। पेरेंट्स जब आपको यूनिवर्सिटी भेजते हैं ना, बेशक आप 10 लड़कियों के साथ आ रहे हैं एक वैन में, मैं खुद ये सफ़र करती हूँ, आ रहे हैं, मगर आप अपने घर से एक इकलौते आ रहे हैं, जो आपका ट्रस्ट लेवल है आपके वालिदैन का, उनका आपके ऊपर भरोसा, सबसे पहले आपने उन चीज़ को मेंटेन करना है। अब उन वालिदैन को ये नहीं पता वो प्यार में आपको पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेके आपने घर ही बैठना है, ये किस्मत की बात होती है, मगर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं ना आगे की किस्मत की सोच के कि लाइक आगे तो कुछ होना नहीं है, आप पढ़ाएं ना, ऐसा नहीं होता। कोई बाप नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को घर बिठाऊँ, उसका तो माइंड सेट यही होता है ना कि मेरी बेटी एक दिन पढ़ के किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाएगी, वो पहले से नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ आगे तो कुछ होना नहीं है, क्यों पैसे लगाऊं। हमारे भी तो वालिदैन हैं, उन्हें भी ये यकीन तो नहीं है, हमें खुद भी यकीन नहीं है कि हमारी डिग्री है उसके बाद हमें कोई प्रॉपर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर अपने तक तो हम कर सकते हैं ना, इतना हो सकता है कि हम आगे अपनी जनरेशन को लीड कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें। ड्यूरिंग स्टडी गर्ल्स को बॉयज़ की तरफ से किन मुश्किलात का सामना होता है यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले तो क्लास के अंदर का ही हाल ले लें आप, अगर कोई फीमेल टीचर आती हैं तो बॉयज़ का कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है बोर्ड से ज़्यादा टीचर पे होता है, ये बात है। फीमेल टीचर नहीं है, मेल टीचर पढ़ा रहे हैं, तो तकरीबन 80% जो लोग हैं ना वो यूनिवर्सिटी में फ़न के लिए आते हैं। मगर अब क्या सीन होता है, बचपन में होता है तो छुट्टी हो जाती है स्कूल से, हम लोग खुश हो रहे हैं संडे है, अब अगर छुट्टी हो जाती है तो लोगों को मुसीबत पड़ जाती है कि नहीं हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने फ़न करना है, ये हुआ है दोस्तों से मिलना है, जैसे होता है। तो अगर वो क्लास में एक मेल टीचर आए हैं वो पढ़ा रहे हैं, सारे लड़के नहीं, कुछ ना कुछ का कंसंट्रेशन ज़रूर लड़की की तरफ होगा, ये इस चीज़ को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। होती हैं मगर नहीं, होती हैं बेशक होती हैं, मगर जिनके अंदर वही बात होती है ना कि जिसके अंदर खुद हया होती है, पर्दा होता है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत, जिसको अपने घर के हालात का पता है कि मर्द को पता है मेरे साथ सारे कमरे में मेरी बहन भी है, जिस और बेटी को पता है कि मेरे बाप की इज्जत मेरे ऊपर है, वो इतना यकीन करके आपको भेज रहे हैं, आप उनकी इज्जत पे आँच ना आने दें, तो फिर उन बच्चों के अंदर तो ये चीज़ नहीं आ सकती कभी भी, चाहे उनका माहौल जितना भी ख़राब हो। हाँ, ये चीज़ है कि जो हम लोग सोसाइटीज़ चलाते हैं यूनिवर्सिटी में, जो सोसाइटीज़ चलाते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, मैं खुद भी एक सोसाइटी से लिंक्ड हूँ, तो उसके अंदर ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है क्लास के ग्रुप्स में से आपके नंबर लीक नहीं होते, सोसाइटी के ग्रुप से आपसे नंबर लीक होते हैं,
उसके अंदर बहुत से लोग एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं। हमेशा इस तरीके से होता है कि लड़की को कोई ना कोई मैसेज करना, हरासमेंट करना, और वो क्या करेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे डर के। हमें खुद भी डर लगता है क्योंकि इज्जत की बात होती है, हर बंदा कोई नहीं सुनता, मगर आप किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो आपको अच्छे से गाइडलाइन दे सकता है, वो आपको हौसला देगा कि यार नहीं क्या कर लेगा वो, आखिर कोई बात की है तो उसका कोई ठोस सबूत होना चाहिए उसके पास, कर भी लेगा तो हम आपके पीछे हैं, हमें आपके ऊपर इतना यकीन है कि अगर कोई आपके ऊपर कोई बात करता भी है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जब ये कॉन्फिडेंस एक लड़की को घर से मिलेगा ना, तो बाहर का कोई दरिंदा उसे कुछ नहीं कह सकता। तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा, किरण भाजी ने एक बात की है कि मैं मतलब कहता हूँ कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं वुमेंस एजुकेशन की मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि एजुकेशन में और इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स करके अलग अलग कैंपस बनाया जाए, मैं तो कह रहा हूँ कोई वो एजुकेशन हासिल करे, लेकिन मैं उसका एक फीडबैक दे रहा हूँ कि वो एजुकेशन जो हासिल कर रही है उसे हो क्या रहा है, चाहे वो मर्द है चाहे वो फीमेल है। अब देखें डॉक्टर्स भी बन के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, हालांकि जो हमारे यहाँ प्रिविलेज एक शोभा समझा जाता है एक डॉक्टरी का, वो भी एक मतलब इस तरह घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जा रही है उसने करना क्या आगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें यही समझा जाता है कि मर्द ही कमा के लाएगा, वीमेंस को भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो इससे कर क्या रही है। मैं ये कह रहा हूँ अगर अपने उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट करना है ना, तो फिर आप उसको स्किल्स सिखा दें, स्किल्स वो ये मैं नहीं कह रहा कि घर में उसको कोई रोटी पकानी आती है ये करने दें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपको भी पता है आजकल जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, फ्री लांसिंग ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह ये जितनी चीज़ें, तो इसमें वो जाके स्किल्स सीखे, 6 माह के स्किल में सीखे, वो डॉक्टर से भी ज़्यादा अर्न कर रही है, सही है। तो आप ये जितने भी आपने अभी मसाइल बताए उन्होंने कि ये मेल्स और फीमेल्स को वहाँ बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं, तो इसका हल यही है कि आप कोई एजुकेशन सेपरेट कर दें, बस सिंपल सा हल है ना, फिर आपके मतलब एक ही जेंडर के मसले होंगे ना, फिर ये तो एक जो एक हर्डल या बैरियर्स आ रहे हैं दरमियान में, एक लर्निंग भी वहाँ बंदा कम्फर्टेबल भी फील नहीं कर सकता, इवन कि मैं हमारी क्लास रूम में मैं खुद भी तकरीबन कोई 6-7 सोसाइटियों का प्रेजिडेंट हूँ मैं अमरसर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वो सारी चीज़ें फेस की हुई हैं कि किस किस तरह ये चीज़ें होती हैं, तो इसका बेटर हल यही लगता है कि सेपरेट कर दिया जाए। जी मरियम, अभी नवीद ने बात की है कि होनी चाहिए, तो इनका आप जवाब किस तरह देंगी? स्किल्स की ये बात कह रहे थे भाई, स्किल्स की मैं अब एक औरत को हमने स्किल्स सिखा दिए चलें ठीक है, और उसने उस पर काफ़ी अच्छा अर्न भी कर दिया, उसको बहुत अच्छी एक वो मिल गई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अब कल को उसे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे जाके उसको रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करना आगे उसके लाखों की तादाद में लोग होंगे और वहाँ पे जो मर्द होंगे वो उन्हें कैसे फेस करेगी, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ जो स्किल्स थे घर से निकल के उसने वो स्किल्स इम्प्लीमेंट किया, ठीक है अच्छी बात है, अब उन लाखों की तादाद में वो जो मर्द होंगे उन्हें वो कैसे फेस करेगी, इस चीज़ को हम क्यों नहीं देखते? नहीं, मैं इस चीज़ पे नहीं मानती, मैं कहती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन ये हम पे अब एक लड़की के ऊपर होता है, उसकी अपनी इज्जत, उसके घर वालों की इज्जत, के उसने उसको उन दोनों चीज़ों की हिफाजत करनी है। और जैसे किरण ने भी बात की कि गर्ल की पिकिंग पावर ज़्यादा होती है, वो सामने वाले मर्द की इंटेंशन को समझ जाती है, कभी कभार वो होता है कि वो डगमगा जाती है, लेकिन वो सामने वाले की इंटेंशन को समझ जाती है कि उसकी इंटेंशन क्या है, और वो उस इंटेंशन को लेके फिर आगे सोच समझ के वो अपना अगला स्टेप रखती है कि हाँ मैंने इसे किस वे में बात करनी है या इसको मैंने कहाँ तक महदूद करना है। तो ये हम पे होता है कि हमने सामने वाले को उसकी हद तक महदूद रखना है। मैं ऐड करना चाहती हूँ, उन्होंने अब बात की थी फ्रीलांसिंग वाली, आपने भी उसे ऐड किया था लाइक वो वाली स्किल हम दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस ऑफिस में आप जाएंगे फ्रीलांसिंग सीखने वहाँ जस्ट फीमेल्स आपको सिखाएंगे? आप ऑनलाइन सीख सकते हैं उससे, क्यों ऑनलाइन सीखते हैं, बट यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज फ्रॉम ऑफिस। ऐसा कभी नहीं होता कि एक औरत प्रॉपर घर में रह के और सारा अपना सिस्टम चलाए, होती हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसी हैं, मगर कभी ना कभी उसे बाहर आना पड़ता है। जब उसके अंदर इतना आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड किया, वो किसी से बात ही नहीं कर सकती, वो कैसे अपना काम करेगी? ये चीज़ है, अगर इस तरह जी वास्ता पड़ता है, यही मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, ज़रूरी तो नहीं है हर जगह फीमेल्स ही होंगी। मैं खुद भी मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही इसको पैम्पर की, बहुत अच्छी बात है को एजुकेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत सारे हैं। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग देखा जाए, मौला अली इस्लाम का क्या कॉल है कि पढ़ाने वाला मैं खुद हूँ, पढ़ने वाली हज़रत राबिया बसरी जो कि हमारी कलंदर है हाफ वो हो, और पढ़ने वाली जो जगह जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो खाना काबा ही क्यों ना हो फिर भी जायज़ नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में कोई एजुकेशन होनी नहीं चाहिए, बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये अब ज़रूरत बन चुकी है। हमारी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, फीमेल्स को बहुत सारे मसाइल देखने पड़ते हैं विद इन हाउस, बाहर ऑफिस में, स्टडीज़ में, हर चीज़ में उसे मसाइल देखने पड़ते हैं।
जब आप उसे प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसे इतना ट्रस्ट नहीं देंगे, वो कैसे डील करेगी? ज़रूरी तो नहीं है उसने बाहर के मर्दों से डील करना है, घर में वालिदैन है, भाई हैं, आगे रिश्तेदार हैं, उनके 100 सवाल हैं, आगे आप जिस घर में जा रही हैं आपके हस्बैंड हैं वो ये चाहेंगे। कोई आजकल कोई हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा कोई जिसे कुछ पता ही ना हो, जो अपने बच्चों की परवरिश ना कर पाए। वो क्या सोचेगा कि मेरे घर में आई है और ये मेरे बच्चों तक को तालीम नहीं दे सकती? कोई मर्द ज़रूरी नहीं है, सब मर्द कहेंगे कि आप हम बैठे हैं घर में, आप हमें खिलाएं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर पढ़ा भी है ना तो आप कम से कम इतना हो कि आप अपने बच्चों को देख सके, अपने हस्बैंड को देख सके, आप उसके शाना बशाना चल सके, कहीं आप वो लेके जाए तो आप कम से कम डरी छुपी भी बैठी ना हो, आप 4 मिनटों में बात कर सके, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, वो कहीं लेके जाने के काबिल होगा। तो मेरी एक फ्रेंड है, अब उनकी कज़न है, 2 बहन भाई थे, वो दोनों ने CSS का अटैम्प्ट किया, उनके भाई ने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किया, शी अटैम्प्ट फॉर ओनली सिंगल टाइम, और वो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर है इन रेलवे। अब उनके जब फादर बैठेंगे ना, अगर उनके बेटे ने अटैम्प्ट की भी है, वो कुछ कर भी रहा है, उनका जो प्राउड का जरिया है वो उनकी बेटी होगी। वो कितने अच्छे से वो उसको बता पाएंगे 4 लोगों के, मेरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उसे पढ़ाया है, उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि 4 बंदे अगर बात करेंगे भी सही तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ये भी हमारे पास जो मुकाम है, इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एज अ गर्ल मुझे खुद फेस करना पड़ता है ट्रैवलिंग के इशूज़, लोगों के इशूज़, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, आना जाना, सब कुछ देखना पड़ता है। मगर हम क्या चाहते हैं कि किसी मुकाम तक पहुँचे। जो हमारे पाकिस्तान में सोसाइटीज़ में एक ट्रेंड बना हुआ है, चाहे आपका फ्यूचर हस्बैंड जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जितना मर्ज़ी लविंग हो, लेकिन ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पे वो आपको इस बात का ताना ज़रूर देते हैं कि तुम तो पढ़ी नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। ये हमारे सोसाइटीज़ का ट्रेंड, और इस ट्रेंड को कोई भी नहीं बदल सका आज तक। हमारे मतलब जितने भी टिपिकल हमारी घर वाले होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर जाते हैं कि हाँ औरत है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, और लोग इस बात को भूल जाते हैं कि एक बेटी अपने घर वालों का फ़ख्र होती है, और वो इस फ़ख्र को अपने जहन में लेके चलती है कि हाँ मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है अपने घर वालों के लिए, कुछ करना है और उनके लिए ही मुझे कुछ बन के दिखाना है। और जितना माशरा एक बेटी को वो करता है ना कि एक बेटी है, ये तो बेटी है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ बेटों को बहुत ज़्यादा एक वो मिलता है ना कि हाँ बेटे हैं बस, यही घर वालों का नाम रोशन करेंगे, फ़ख्र बनेंगे। नहीं, एक बेटी उनके इस गरूर को तोड़ती है, और वो तोड़ना जानती है कि मैंने इस चीज़ को कैसे करना है। जैसे किरण बात कर रही थी, मैं खुद भी ट्रैवल करती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हमें पता है हमें सामने वालों की किस तरह की गंदी नज़रें हमें देख रही होती है। हाँ ये हमें पता है, ट्रैवलिंग इश्यूज होते हैं, वीडा में आपको पता है जिस किस्म का रश होता है, टचिंग वगैरह होती है, ये हमें पता है कि हम किस तरह खड़े हैं। आपकी यूनिवर्सिटी है ये शुजाबाद रोड पे, जो इस रोड जो ये रूट चलता है ना, खड़े होने की जगह, मैं कहता हूँ खड़े होने से क्या, हिलने की जगह नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। आप वैन में आ रहे हैं, बेशक आप दूर बैठे हैं, बट यू हैव टू फेस दैट आइज। कुछ होते हैं ना कि फिर इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, कुछ पेरेंट्स नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हम पे है ना कि हमारा जब एक माइंडसेट पॉजिटिव है, हमें पता है हम घर वालों का एक ट्रस्ट है ना हमारे साथ, हम उस ट्रस्ट को लेके घर से निकल रहे हैं। फिर आगे हमारे यूनिवर्सिटी में कितने लड़के होते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है, हम उन हजारों लाखों की स्ट्रेंथ में जाके जब हमें इतना हमारे घर वालों का कॉन्फिडेंस है कि हम उन लाखों की तादाद में जाके अकेले खड़े होके बोल सक रहे हैं, उनके सामने खुद को रिप्रेजेंट करें कि हाँ देख हम हैं। इन्होंने बात की है कि अगर फीमेल्स मतलब कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही, उसका मेल से कहीं पहले एज अ स्टूडेंट लाइफ में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे होगा? साइकोलॉजी उस्मान आपने भी पढ़ी होगी, एक साइकोलॉजी अगर आप में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप चाहे जितना भी आप में कॉन्फिडेंस है ना, आप एक बड़े मजमे को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉलेज है ना, आपने एक दिन भी बाहर नहीं निकला, जिस पॉइंट पे मैं वो फोकस कर रहा हूँ वो को एजुकेशन, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैं वुमेंस की एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, वुमेन तो जाए अपने कॉलेज में अलहदा कैंपस में जाके पढ़े। सोसाइटी ने जो बनाया हुआ वो गलत बनाया हुआ, सक्सेस का मैार और है। अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर भी है ना, तो वो अब वो यहाँ पे गर्ल्स कैंपस में भी पढ़ के जा सकती है। तहमीना जंजुआ जो 27th फॉरेन सेक्रेटरी है पाकिस्तान की, वो भी कोई एजुकेशन से नहीं गई थी, वो अलग गई थी, मतलब गर्ल्स कैंपस से पढ़ के गई थी, लेकिन उसके पास नॉलेज था। एक प्रोफेशनल जब वो असिस्टेंट कमिश्नर है लड़की, अब वो किसी तहसील में जाके वो होती है अपॉइंट होती है, तो वहाँ उसके पास अथॉरिटी, अगर कोई उसके कोई मर्द उसको अगर कोई दूसरी नज़र से देखा था ना, उसी वक्त उसको
पकड़ के अंदर डाल देती है क्योंकि उसके पास पावर है। अब स्टूडेंट लाइफ है वो यूनिवर्सिटी में है ना, तो उसके पास पावर नहीं है ये। ये कोई अगर उसको लड़का तंग करे तो उसको या मैं पावर वो जाके आपने फैकल्टी के पास जा सकती है वो। पूरी पूरी बल्कि आपकी तंजीमें बनी हुई है यूनिवर्सिटी के आगे, स्टूडेंट अफेयर्स है। एक लड़का जिसने कुछ लड़कियों की पिक्चर्स ली हुई थी, चलते चलते उसने एक लड़की को फॉरवर्ड किए हैं कि भैया आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लें, मेरे पास तो वैसे भी आपके क्लास की दो तीन लड़कियों की पिक्चर्स भी हैं जो मैं गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। अब हमारी यूनिवर्सिटी के सर काशिफ हैं, वो हमारे सिटी से भी हैं, बहुत बहुत नाइस बंदे हैं और बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट अफेयर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। अब वो उनके पास गई है, उन्होंने उस लड़की को उसकी फेस टू फेस भी नहीं देखा, बता थ्रू आउट द कैंपस उन्होंने उसके साथ राउंड किया। जब तक उस लड़के को पकड़ा नहीं है उस क्लास से, हमारी क्लास में ला के प्रैक्टिकली लाइक दिस, आप अपनी बहनों से माफ़ी मांगे वरना मैं आपकी डिग्री कैंसिल करवा दूंगा। अब वो कहीं से गुजरता है ना, उसको पता है इन बंदों के सामने मेरी बेइज्जती हुई भी है। अब अगर उसके दिमाग में ये बात आएगी भी सही ना, वो 100 दफा सोचेगा किसी और की बहन से बात करने के लिए। उसके साथ पहले ये हो चुका है, क्यों? क्योंकि उस लड़की ने पावर दिखाई है, उसके पास है ये पावर कि वो गलत हो रहा है तो वो रोक सकती है। अब देखिए प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सारा फर्क है, क्योंकि अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ की होती है ना स्टूडेंट, क्योंकि अब देखिए मैं ये फीमेल्स के साथ जो वायलेंस होती है मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ना उसको डिफेंड कर रहा हूँ, जो होता है गलत होता है मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन उसका मैं सलूशन पेश कर रहा हूँ कि इसको अलहदा करें, आप कोई एजुकेशन को ख़त्म कर लें, ये जो हो रही है ना करें, क्योंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहाँ उसके साथ बुरा हो रहा था। क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट है, अब मेरे में भी डोपामाइन, क्योंकि मैं मेल हूँ, फीमेल्स में भी इसी तरह हर किसी में एक हार्मोन्स है जो रिलीज़ होते हैं, तो फिर वो अगर किसी लड़का उसको छेड़ रहा है, किसी को वो मतलब फेवर दे रही है किसी को नहीं दे रही, क्योंकि जो उसको मतलब सही है उसके मतलब मियार पे आ रहा है वो कर रही है उसे नहीं कर रही। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा, कुछ इस तरह की होती हैं और कुछ मेरी खुद की क्लास फेलो है जिनसे मैं ज़िंदगी में कभी इंटरेक्ट नहीं किया, हालांकि मैं क्लास का सही आ रहा हूँ, मैं उनको आज तक देखा ही नहीं ना, उनसे मैंने कभी बात की है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ लड़के वो ना घर बताती है ना ये मसला हो जाएगा ज़्यादा, हमारी एजुकेशन कैंसिल हो जाएगी, घर वाले कहेंगे यूनिवर्सिटी ना जाओ, तो इससे बचने के लिए वो खुद में दब जाती है, जो उसके साथ एक टॉर्चर हो रहा था ना मेंटल टॉर्चर, वो उसको बियर कर लेती है। तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग जब होंगी तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर ये हो रहा है, अगर किसी को फेस करना पड़ता है, फिर आप जब एक रिफॉर्म्स कर लेते ना, फिर कहते हैं अगर इनकेस आगे जाके आप कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो गई कि हमारे यहाँ मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है स्टेट के पास कि वो अलग अलग कैंपस बने, फिर अब जो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना फिर वो कम हो चुके हैं, उसकी रेशो कम होगी। उस रेशो को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो इस तरह ख़त्म कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो इसमें यूनिवर्सिटी को फोर्स करें कि ये जो गर्ल्स के साथ ये जो वायलेंस हो रही है, ये जो उनको मेंटल टॉर्चर की वजह हरासमेंट की जाती है, ये क्यों की जाती है, ताकि वो एक इफेक्टिव रिफॉर्म्स लें वहाँ पे। फिर वो आप जो आपको पता है यार, आप भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें कि ये जो तंजीमें बनी होती हैं वो उसमें अपना भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन वो जो अब इसमें हार नहीं होती, वो फीमेल होती है जो मतलब एक सोशली मतलब इधर उधर घूम फिर रही होती है, वो कभी किसी के साथ होती है कभी किसी के साथ होती है, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा मैंने किया होगा, मैं ये मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा। और कहने का इसको अगर हम कंक्लूड करें, कहने का मतलब ये कि लॉस ज्यादा है बेनिफिट कम है, ये अच्छी, बात अच्छी बुरी की बात है, मैं सोशलिज्म कह रहा हूं, सोशलिज्म जरूरी नहीं है कि आप जिसका ज्यादा है वही सोसाइटी में, जाहिर सी बात है। तो आप अपने आप को इतना लिमिट रखें, लिमिटेड रखें कि आप चंद एक लोगों से बात करें जो जिसके साथ आप कंफर्ट है, और वो कौन हो सकता है, भाई है आपका, बाप है आपका, फियांसे है आपके, जो रिलेटेड लोग हैं जिनको पता है कि आपकी इज्जत क्या है। चलें टाइम के शॉर्टेज को देखते हुए मेरा लास्ट क्वेश्चन है मरियम से कि अब इसका सलूशन क्या है, कि को एजुकेशन को हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं आजकल पाकिस्तान में? हम इसको सिक्योर इसी तरह से कर सकते हैं कि हम बच्चे को इतना ज़्यादा वो ना करें, उसके अंदर बचपन से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। अगर हम बच्चे के अंदर बचपन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे ना, उसे अगली दुनिया के सामने स्टैंड करने में हिम्मत होगी, और अपना एक माइंडसेट बना के रखें कि हाँ, जब बच्चे का एक बचपन से एक पॉजिटिव वे में एक माइंडसेट बनाऊंगा कि हाँ मैंने कुछ करना है या कुछ बनना है, तो फिर वो इस चीज़ को यूनिवर्सिटी लाइफ में उसको डिफरेंट चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, इस चीज़ हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, हम इसको गुजर रहे हैं, तो अगर उसका एक वो पॉजिटिव वे में माइंडसेट बना होगा तो वो आगे बेटर सर्वाइव कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने जाना कि को एजुकेशन सिस्टम में मर्द और औरत को बराबर तालीम दी जाती है, और जिसकी वजह से दोनों में समाजी हमआहंगी बढ़ती है, जबकि समाज में मौजूद जिन्स परस्ती के रुझानात को लेकर कुछ खानदान अपने बेटियों को तालीम जैसे जेवर से महरूम कर देते हैं।
जहाँ तक बात है इन इंस्टीट्यूट्स की, इनमें लड़कियों को मुख्तलिफ तंजीमाती और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है जो कि लड़कियों की तालीम में बुनियादी वजह बनती है। हमारी यूनिवर्सिटी में बढ़ता हुआ फांसी का निज़ाम भी लड़कों की तालीम में भी रुकावट बन रहा है, जबकि इस्लाम में मुख्तलिफ जिंसों के दरमियान एक हद मुकर्रर की गई है ताकि तालीम को बरकरार रखा जा सके। इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए हमारे अकाम बाला से गुजारिश है कि वो कोई ऐसी राय इख्तियार करें जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को बआसानी तालीम मुहैया की जाए, या तो इनके इंस्टीट्यूट्स अलग बनाए जाएं। अगर मुल्की सूरत हाल को देखा जाए तो ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी और अपनी बिल्डिंग के अंदर ही सब कैंपस बना दें गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम उस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को चाहिए कि वो इन मामलों पे कड़ी नज़र रखे। जो चीज़ें मर्द और औरत की तालीम में रुकावट बनती हैं उन्हें एक अलमिया बनाया जाए ताकि बाकी लोग भी इसे सबक हासिल करें। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबले फख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।